आज जाकर के फाइनली आज 14 दिन हो गए और बहुत ही मुश्किलों का समय था, पर ज़्यादा मुश्किल नहीं था। घर के सब लोगों के साथ में टाइम मुश्किल से नहीं कटता है, पर मैं ये बता रही थी कि हुआ कुछ नहीं, पर मैं इतनी घबरा गई थी तो मैं अपने आप को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर ली थी। तो देखिए मैं डेली अपना नीचे का बेडशीट प्लस ओढ़ने बिछाने जो भी था वो सब डेली धुलती थी, पूरा ही नीचे का सब धोल देती थी और फिर पूरे घर को सैनिटाइज करती थी। आज देखिए कपड़ा भी मेरा ज़्यादा है, मतलब डेली तो ये रहता ही है, फिर पूरा ही सैनिटाइज करके घर को क्लीन करती थी। इस तरह से मैं पूरे 14 दिन निकाले हैं। तो अगर किसी को भी हल्का भी अगर लगे ना कि थोड़ा शक भी हो तो होम आइसोलेट हो जाए, रिपोर्ट का या बीमारी होने का इंतज़ार ना करें। हाय फ्रेंड्स, अभी मेरा ना बैटरी बहुत डाउन हो गया है मोबाइल का, तो मैं थोड़ा इसे पावर बैंक में लगा लेती हूँ, एक सेकेंड। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? और मैं ये स्पेशल वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए कि जो मेरे साथ हुआ है वो मुझे नहीं पता कि क्या था नहीं था, मगर फिर भी मैं काफ़ी सेफ्टी अपने आप को रखी हूँ, मतलब घर वालों को भी काफ़ी सेफ रखी। और बहुत मुश्किल होता है ये 14 दिन का टाइम निकालना, मगर अगर आप सोच लें ना तो मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये सोचना है कि हमें अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं तो मुश्किल नहीं होता है। तो चलिए मैं शुरू से आप लोग को बताती हूँ कि क्या हुआ। एक्चुअल में क्या हुआ था ना कि मुझे बताना तो ऐसा नहीं होता ना कि मैं झूठ बोलूँ कि मुझे डर नहीं लग रहा है, पर मुझे डर लग रहा है। और अभी का माहौल देखते हुए, पिछले साल ऐसा नहीं था, पिछले साल अलग तरह का माहौल था, इस बार थोड़ा सा माहौल चेंज है। तो सब लोगों को लगता होगा ऐसा कोई, पर यह है कि हम अपने दिल की बात मैं बता रही हूँ कि हाँ लग रहा है, डर लग रहा है। और कभी भी क्या होता है ना, अपने लिए नहीं डर लगता, फैमिली के लिए डर लगता है। तो अभी का समय ऐसा है, तो मैं चलिए अब बात बताती हूँ आगे कि एक्चुअल में क्या हुआ ना कि मैं बाहर गई थी। तो बाहर गई थी तो ऐसे भी अभी मुझे थोड़ा डर लगता है ज़्यादा, पर मैं अभी काफ़ी बोल्ड हो गई हूँ, काफ़ी स्ट्रांग हो गई हूँ, अब नहीं डर रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा माइंड में क्या होता है कि डर एक अपना सेट कर लें कि ऐसा हो गया है, तो सही में वो माइंड वैसे ही रिएक्ट करने लगता है। तो अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, बाकी का नहीं जानती ना, तो इसका कोई ये है कि नहीं ऐसा होता है नहीं होता है, सिर्फ अपना एक्सपीरियंस जो हमारे साथ हुआ। तो मैं काफ़ी डरती भी हूँ, और डर से क्या हुआ ना कि मुझे लगा ना क्या कि मुझे कुछ हो जाएगा, यानी कि कुछ होने का मतलब है कि मुझे कहीं कोरोना तो नहीं हो गया है बाहर निकलने से। बाहर तो ऐसा है नहीं कि हम लोग हर चीज़ प्रिकॉशन लेकर के ही आते जाते हैं, तो बस मेरे मन में एक ऐसा डर सा बैठ गया। अब डर था या रियली था या पता नहीं, पर मैं अभी अपने शिव गुरु को दिखाती हूँ कि उनकी कृपा थी। वो दिख रहे होंगे ना सीढ़ी पे, वहाँ पे शिव गुरु का फोटो लगा हुआ, मैं अभी भी उनको जब भी देखती हूँ ना वो घर बिल्कुल अपना सामने दिखता है, बिल्कुल कहीं से भी वो दिखते हैं। तो मैं उनको हर बार थैंक्स बोलती हूँ कि ठीक है जो भी हुआ अब सब लोगों को माफ़ कर दीजिए, और इस जो पृथ्वी पे ये जो हो रहा है बस वो हाहाकार ख़त्म कर दें, क्योंकि अब क्षमता नहीं है दुख इतना देखने का और सुनने का, हर तरफ तराही तराही मचा हुआ है। तो थैंक यू शिव गुरु कि मैं ठीक हूँ, और या जो भी है डर था या आपका पनिशमेंट था मुझे नहीं पता, पर आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। पर मैं अब बताती हूँ फ्रेंड्स क्या हुआ कि वो तो आप इतना देर मेरा बकबक सुन के समझ ही गए होंगे कि काफ़ी डरपोक है, पर मैं डरपोक हूँ नहीं, पर वो समय हालात जब सामने ऐसा होता है ना तब सब निडरपन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे सुन सुन के देख के काफ़ी मैं अंदर से काँप चुकी हूँ, काँप गई थी, अभी काफ़ी अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली हूँ कि नहीं डरने से सही में वो हावी हो जाता है वो। तो और कोरोना ऐसे है कि अगर हम डर गए ना तो इफ़ेक्ट आ जाता है, क्योंकि हम माइंड में सेट करते रहते हैं क्योंकि हमें कोरोना हो गया है तो ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, तो वो पूरा बॉडी बस वहीं रिएक्ट करने लगता है कि हाँ सही में ऐसा हो रहा है। पर इसलिए सब लोगों को बोल रही हूँ कि कुछ भी हो स्ट्रांग रहिए, कभी भी निगेटिव नहीं सोचना, मतलब वो कोरोना वाला निगेटिव तो सोचना है कि निगेटिव रहे, मगर जैसे होता ना कि हमेशा आप पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। तो
वैसे ही मेरी एक्चुअल में खुद की दीदी दो दो है, कोविड वार्ड में ड्यूटी भी कर रही है, तो बोलते हैं जिसकी दो और एक तीन लोग हैं हमारे घर से, तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग जा रहे हैं, देखो कुछ नहीं होता है, सब लोग सिर्फ सेफ्टी रखो और कहीं एक्स्ट्रा कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो सके तो घर में रहो, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है जब तक काम ना हो। तो वो लोग भी बोलते हैं कि जिसकी बहन ऐसे जगह ड्यूटी कर रही है उसकी बहन डरती है, पर चलिए काफ़ी सब लोग बोलते हैं तो थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। तो मैं बताती हूँ कि एक्चुअल में क्या हुआ ना, कि मैं ठीक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर हमारी ना स्मेल अचानक से, वो हमें पता भी नहीं था कि हम बीमार हैं, जब कुछ ऐसा फील नहीं था उस टाइम। फिर ऐसे ही मेरी बेटी क्या ना, वो सबको ऐसे सुंघाते रहती है कि देखो किसी को खुशबू तो नहीं आ रही है, कहीं खुशबू चला तो नहीं गया, और ऑक्सीजन लेवल तो हम लोग डेली चेक करते हैं, और अभी के समय में अगर है घर में तो एक दो दिन पे आप चेक कर लिया कीजिए, कि कभी भी अगर घर में बैठे हैं तो कर लें, तो ऑक्सीजन लेवल तो चेक करते ही हैं हम लोग, और हमें शुगर नहीं है फिर भी मैं, हस्बैंड चेक करते हैं तो मैं अपना भी चेक करवा लेती हूँ कि अभी तक तो ठीक है ना। तो मेरी बेटी क्या ना कुछ ऐसे दी कि मम्मी देखो इसमें स्मेल आ रहा है, तो सब लोग ऐसे लेकर के ऐसे ट्राई कर रहे थे, तो सब लोग ट्राई कर, सब लोग ओके थे, अच्छे थे, मेरे को ऐसे ना खुशबू सी नहीं लगी, बहुत हल्की सी लगी, मतलब बहुत हल्का सा एहसास हुआ बिल्कुल यहाँ पे करने से कि हाँ है, यानी कि सेंस काम कर रहा है। तो फिर लगा कि कहीं कोई असर तो नहीं है, तो फिर और पहले भी मैं जब कहीं बाहर जाती हूँ ना तो लोगों से थोड़ा मैं दूरी बना के रखती हूँ, घर में भी दूरी बना के रखती हूँ, तो मैं अलग ही रह रही थी। फिर उस दिन से जो प्रिकॉशन जो ली हूँ ना, मैं अभी वीडियो शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या की, हल्दी, शहद, काली मिर्च, वो गार्गल, स्टीम लेना, वो सब करती रही, लौंग कपूर का वो जो होता है ना, लौंग कपूर जला करके, कभी कभी मैं दो दो जलाती, कभी तीन चार जला देती थी घर में, रूम में जला के छोड़ देती थी कि वातावरण शुद्ध रहे और अच्छा रहे, उसकी खुशबू अच्छी होती है, तो ऐसे करके निकाली। तो मुझे दो दिन लगा, ये कम है, ख़त्म नहीं हुआ, कम है, मतलब काफ़ी हल्का सा ही मुझे महसूस हो रहा था। उसके बाद फिर, और मैं डर से ना मैं कोरोनिल दवा भी खा रही थी, खाना चालू कर दी संडे को, और एक्चुअली पता है मैं पूरे साल कोरोनिल तो मैं टच भी नहीं की हूँ, कोई भी दवा नहीं खाई थी, कोई भी दवा नहीं, बस जो शुरू में हेमोपैथ का दवा जो सोसाइटी सोसाइटी बटा था ना, और तो वो जो दवा मिला था वो मैं सिर्फ एक बार खाई थी, मतलब काफ़ी प्रिकॉशन में रह रही थी, बाहर कम निकलना, बाहर निकलना ही नहीं है जब तक ज़रूरत ना हो, बहुत काफ़ी ज़रूरत ना हो जब तक निकलना नहीं है, तो घर में ही रह करके अपने सेफ हम लोग रह रहे थे। तो फिर मैंने डर से 4 दिन कोरोनिल खाई, उसके बाद 2 दिन, हाँ मंडे से ही जब मैं फिर ऐसे बार बार चेक करती थी, कभी गुड़ खाती थी तो स्वाद तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, मैं सब कुछ खा रही थी, खाना दाल चावल भी खा रही थी तो मुझे अच्छा ही लग रहा था, टेस्टी ही लग रहा था, तो स्वाद में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, रूटीन जो भी था अपना घर का कर ही रही थी। फिर 2 दिन के बाद मुझे हल्का हल्का सा यहाँ से आने लगा, यहाँ से आने लगा, यहाँ से आने लगा, और अभी तो पूरे घर में खुशबू आती है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से करके मैं 14 दिन, मगर फिर भी अपने आप को सिर्फ फैमिली के लिए सबसे दूरी बना के रखी। तो आप वीडियो क्लिप देखे ही होंगे, मैं डेली नीचे का तो डेली 4 बेडशीट जो भी ओढ़ना बिछाना जो भी था वो सारा करती थी, पूरा सैनिटाइजेशन पूरा घर को करती थी, ऊपर बीच बीच में जाती थी तो ऊपर भी करती थी, मतलब पूरे घर को सैनिटाइज मैं करती रही। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है मुझे हल्का सांस आया हो, या हो सकता है मुझे जुकाम हुआ हो, क्योंकि मुझे जुकाम थोड़ा एलर्जी का प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी होता है, कभी कभी नाक बंद हो जाती है ना, उस वजह से भी होता है, पर वजह जो भी हो, वजह कुछ भी हो, पर अगर थोड़ा सा भी आपको शक हो रहा है ना तो डरना नहीं है, सेफ्टी कर लीजिए, मतलब सेपरेट हो जाइए थोड़ा, ऐसा नहीं है कि मैं घर से अलग रूम में बंद हो गई थी, ऐसा नहीं था, सबके साथ थी पर अलग थी, अलग अलग दूरी बना करके बैठती थी, और कभी ज़्यादा लोग अगर इकट्ठा हो गए रूम में, सब लोग इकट्ठा खा रहे हैं पी रहे हैं, तो मैं मास्क लगा लेती थी, तो इतना सेफ्टी तो सब लोग भी कर सकते हैं, जिससे क्या, इतना सेफ्टी करने से फ्रेंड्स ये फैलेगा नहीं कोरोना, अगर सच में भी हुआ हो या ना भी हुआ हो तो ये फैलता नहीं है, इसलिए मैं बोलती हूँ ना डरना नहीं है, क्योंकि डर से ही मेरा माइंड में सेट हुआ, या जो भी हुआ कि रीज़न कुछ भी था, पर मैं काफ़ी अपना फैमिली को अभी तक संभाल ली, और मेरे हस्बैंड तो डांटते भी थे, अरे क्या तुम ऐसे नाटक कर रही हो, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो समझते थे कि अगर वो मना करेंगे ना तो मैं और ज़्यादा डरूंगी, तो किसी को टच में भी नहीं, तो मैं, मेरे हस्बैंड वैक्सीन लेकर के भी आए ना तो भी मैं उनको टच करके नहीं देखी कि आपको फीवर तो नहीं है, सिर्फ पूछ लेती थी कि आपको फीवर तो नहीं आया है, वैक्सीन सेकेंड डोज ली है तो,
तो बोलते थे कि हल्का सा लग रहा है चाहे कुछ भी, फिर भी मैं नहीं छुई। अब जा करके हमारा लाइफ का नॉर्मल रूटीन है, तो आज से नॉर्मल रूटीन है। तो मैं सोची आप लोग के साथ भी शेयर करूं कि फ्रेंड्स डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डरते हैं ना तो माइंड में बहुत सेट हो जाता है। मैं देखी हूँ, और जो भी हो पर जब तक भगवान की इच्छा ना हो, और भगवान की इच्छा ऐसा नहीं है कि आप आग में कूदोगे तो आप जलोगे नहीं, पर वो कंडीशन लाना ही नहीं है कि हम भीड़ भाड़ में जाएं या हम थोड़ा सा सामान के लिए निकल जाएं। नहीं, बहुत ज़्यादा जब सामान इकट्ठा हो जाए, बहुत ज़्यादा जब हो कि ज़रूरत हो तब एक बार जाइए, अपना काम कर लीजिए। ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। मैं कभी आपको भी शेयर करूंगी कि मुझे कभी भी जो रोज़मर्रा होता है ना, दूध सब्जी फल फ्रूट के लिए मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब घर में आ जाता है। तो वो भी मैं कभी किसी वीडियो में शेयर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स अब मैं आप वीडियो इंड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा काम था कि मैं यूट्यूब पे हूँ, तो अपना जो मेरे साथ जो कुछ हुआ जो मैं की वो आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को इंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड को शेयर भी करें। तो अगर किसी को अगर ऐसा स्मेल का ऐसा प्रॉब्लम होता है ना, तो प्रिकॉशन तो रखिए। हम ये नहीं कह रहे हैं क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं नॉर्मल एक इंसान हूँ, पर जो मैं अपने साथ की वो मैं बता रही हूँ। तो आप प्रिकॉशन रखिए, वो जो वीडियो क्लिप पे आप देखे वो सब आप अपना रूटीन में लाइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बीमारी को बढ़ाना नहीं है, हो ना हो पहले से ही अगर तैयार रहेंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हो गया, बाय बाय। देखिए फ्रेंड्स, मैं जो अपने साथ खुद पे यूज की हूँ वो दिखा रही हूँ कि हाफ टी स्पून हनी है, जिसे शहद भी बोलते हैं। तो हाफ टी स्पून शहद ले लीजिए, और इसमें हाफ टी स्पून से कम हल्दी पाउडर यानी कि 2 चुटकी, और इसमें 1 चुटकी काली मिर्च ले लीजिए। फिर इसे अच्छे से मिक्स करके इसे आप सुबह शाम भी खा सकते हैं। मैं ऐसा ज़रूरी नहीं था कि मैं दोनों टाइम खाती थी, एक टाइम भी ले लेती थी। और इधर गार्गल जब मैं करती थी ना, तो गुनगुना पानी में 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी काली मिर्च को अच्छे से मिक्स करके गार्गल करती थी। वो भी 1 या 2 टाइम ही करती थी, कोई कंपलसरी नहीं था कि 2 टाइम, 1 टाइम भी कर लेती थी। और मैं अपने घर का वातावरण शुद्ध रखने के लिए कभी रूम में कभी बालकनी में इस तरह से 2 लौंग और 2 कपूर जलाकर